वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आज आपको मैं बताता हूँ पोटैटो, ये देखें कबाब, पोटैटो टिक्की कबाब। पोटैटो को हमने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद मैंने ये निकाल ली है इस तरह चिरमची में। तो टाइम की बचत के लिए मैंने अब पोटैटो को आपको सिर्फ बॉयल करते हुए दिखाया, अब निकाल लिया। अब इसमें जाएगी रेड चिली स्पाइस वाला जो है ये स्पून, तो ये देखें अब इसमें जाएगी, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, ये मैंने हल्दी डाल दी है। और फिर इसमें जाएगा ये देखें, ये मैंने गरम मसाला मिक्स जो है वो इसमें डाल दिया, मिक्स गरम मसाला पाउडर। तो अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर। अब ये धनिया का पाउडर डाल दिया हमने। इन चीज़ों से इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, जायका आएगा। ये जो अब इसमें मैंने डाल दिया है ओनियन और धनिया सब्ज़, ये देखे कितने प्यारा लग रहा है, और इसकी खुशबू देखे कितनी प्यारी आ रही है, तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो टिक्कियाँ वैसे भी आप नान के साथ खाएं। अब इसको हम स्मैश कर लेते हैं, इस तरीके से स्मैश करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, यंग भी खाते हैं। जब उन्हें स्कूल से छुट्टी होती है तो दोपहर को भूख लगी होती है, वो कहते हैं जी हम टिक्की खाएं और हम नान खाएं। नान और टिक्की आलू की बड़े शौक से खाते हैं, तो नान के साथ बहुत मज़ा करती है दोपहर को, और साथ में इसकी वो मिंट सास। तो अगर आप इसको चावलों के साथ खाते हैं तो चावलों के साथ बहुत मज़े की होती है। तो पोटैटो टिक्की ये बहुत ज़्यादा जगहों पर खाई जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं पोटैटो की टिक्की इस सिंपल रेसिपी से बनाऊं, ताकि आप लोग घर में बना सके इजी। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से ये मिक्स कर रहा हूँ, ये देखें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी टिक्की बना लेंगे इस तरह। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी टिक्की बना लेनी है, गोल गोल, ये ऐसे हर चीज़ मिक्स हो गई है। ये देखें कबाब टिक्की, टिक्की कबाब, इनको बना के मैं प्लेट में रखता जा रहा हूँ। तो आप इसको घरों में अक्सर बनाते भी हैं, घरों में औरतें बना रही होती हैं बच्चों के लिए चावलों के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसके साथ। वैसे भी ये रेस्टोरेंटों में भी होती हैं, और आम तौर पर ये बाज़ार में बहुत होती हैं, छोटी छोटी जो जगहों पे, जहाँ पे स्कूल कॉलेज है वहाँ पर होती हैं। बस बाज़ार में जो पकोड़े समोसे बनाते हैं वो भी ये बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने सिंपल सी रेसिपी रखी है, और बिल्कुल ये बड़ी टेस्टी है और बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन वो इसमें ये चीज़ें नहीं डालते जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। वो तो सिर्फ डाल दी है उसमें नमक, सुरख मिर्च डालते हैं, और उसमें आलू को बॉयल करके बस, और कोई मसाला मसूला कभी डाल लेते हैं थोड़ा बहुत नहीं। तो ये देखे प्याज डालते हैं वो भी। अब ये चीज़ें जो हमने डाली, ये देखे प्लेट कितनी भर गई है, खूबसूरत लग गई है। फिर इसको हमने फ्राई करना है लो फ्लेम पे, ठीक है। तो फिर इसको लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसकी फिर गार्निश जो है आप करने, तो इसके साथ मिंट सास, या नहीं है तो फिर टमाटो ले ले, टमाटो केचप ले ले, कोई होने साथ इसके साथ जरूर, चटनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर वह दही का रायता वगैरह है तो दही भी चल जाती है, नहीं तो पुदीना आम मिल जाता है, पुदीने को कूट लें, कूट के उसके। अब मैंने ये देखे एक अंडा लिया, अंडे के अंदर टिक्की को भिगो के मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। ये देखे अंडा इसलिए लगाना ये ज़रूरी होता है, फिर भी ऑयल में जो है ये सेपरेट नहीं होता, इसे पक जाती थी तो टिक्की हमारी टूट जानी थी। अगर अंडा नहीं लगाना तो आप इसको फिर, मैंने एक और रेसिपी में बताया हुआ है कि आप उसको कॉर्न फ्लोर लगा सकते हैं, तो कॉर्न फ्लोर जब आप लगाएंगे तो फिर ये टिक्की बन जाएगी नीचे, फिर वो है जो है ना वो लगेगी नहीं फिर। अब ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही है, इनका साउंड भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें अब इनकी हम साइड चेंज करते जाएंगे इस तरह, देखिए मज़े क्या ब्राउन खूबसूरत कलर आ गया है।
है ना प्यारी लग रही। तो इस रेसिपी को आप करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की लगी। आप देखें ये बन गई हैं और मैं इसको प्लेट में नकार रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें कितनी मज़े, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।